बताना कैसा लगा? चुप आ रहा सा, सही गल फुल ओके मेरा मुंह नहीं दू ना जू। कितने का है काकू भाई? 10 10 ये वाली हां जी बैठ दी दे भाई। खड़ी करो, खड़ी करो इसको जरा। हां ना कितना दूध कितना देती है? ओके 1 किलो 1.5 किलो ये दोस्तों 10,000 की है। उभरों करूंगा ये क्या दारो जी? दारो जी तुम्हारी क्या मैरिज हो रही है? बड़े बाजे बजा रहे हो हिमाचल के। हेलो जी, जय हिमाचल, कैसे हो सभी? स्वागत है आपका फिर से एक और हमारे यूट्यूब चैनल सालू हिमाचल वाला में। दोस्तों मैं प्रॉपर हिमाचल प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट ऊना और अम्ब से रहने वाला हूँ। और अगर आप कभी अम्ब में नहीं आए हो तो आप गूगल पे सर्च करना अम्ब भंदौरा रेलवे स्टेशन, तो उसी के बस आसपास में मेरे घर हैं। सो दोस्तों हम हिमाचली है और मैं चाहता हूँ कि अपने यूट्यूब पे अपने हिमाचल का मतलब कल्चर बताया जाए और अपना मतलब डेली ब्लॉग्स आप देखते होंगे कि गद्दी शेपर्ड्स हमारे जो हिमाचल की शान है, सो उनके ही मैं ब्लॉग्स ज़्यादातर इस यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ। तो आगे आगे देखेंगे कैसे कैसे मतलब हमारे और ब्लॉग्स रहेंगे। फिलहाल मतलब गद्दी पेटपालकों के ब्लॉग्स को आप प्यार करते हो तो मेरा भी कोई ना वर्ड बनता है कि आपको अच्छे से अच्छे उनके ब्लॉग्स बनाए बताए जाए। तो दोस्तों ये लास्ट ब्लॉग इनके साथ था और इस ब्लॉग में मतलब हमने खाना जैसे बनाया था उसके बाद ये अपने भरमौर मणिमहेश के लिए रवाना हो चुके थे। सो उसके बाद मैं भी अपने घर को आ चुका था। तो अब ये अपने घर में पहुंच चुके हैं, थोड़ा डिले हो गया था ब्लॉग्स डालते डालते। तो इनके मतलब फ़ोन वगैरह भी मतलब हमारे कांटेक्ट होते रहते हैं तो बोलते हैं कि आप आओगे नहीं, आओगे नहीं, तो मेरे पास टाइम नहीं था। मतलब मैं बोल रहा था इनको कि बड़ी जल्दी आपके पास जर्नी करेंगे, सो बहुत जल्दी हम इनके साथ फिर से जर्नी करेंगे। फिलहाल आप लास्ट ब्लॉग जो इनके साथ ये वाला है तो वो इन्जॉय करो, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा रहेगा। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें तो आपको ऐसे ही हम इनके अगली भी जर्नी बताएंगे, इनके घर गाँव सब कुछ आपको कल्चर बताएंगे। गद्दी हमारे हिमाचली गद्दी भेड़पालक शेफ्टों का तो मतलब हिमाचल भेड़ पालकों का। तो चलो ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा रहेगा ये ब्लॉग, तो करो एंजॉय। आप इधर से आओगे? ठीक है मैं आता हूँ। अब हम जा रहे हैं डेरे को तो खाने पीने के लिए कुछ बनाएंगे। सो चलो अब मैं अपनी बाइक लेने जा रहा हूँ, वो लगी है सामने। दोस्तों हम आ चुके हैं डेरे में, लेट चुका हूँ मैं आके, तो अब हम खाना वगैरह बनाएंगे थोड़ी देर में, समझो। अभी लड़ते हुए देखो जी कैसे हमारा काम चलता वो पूरा। थोड़ी पता है कैसे बनता खाना, तू खुजा ले तो खुजवाना ही है। भाई सच में यार दिया आपकी बातों में पता नहीं क्या हो रहा है। बस वहाँ से 24 घंटे लड़कियों के ख्याल मान। अरे यार ये तो अब ज्यादा हो गए, अब क्या करोगे फिर? जो जो अगर मतलब ऐसे रख दिए, कट रख थोड़े दो नहीं जी, ऐसे रख दिए फिर खराब हो जाएंगे ना। बस शाम को भी तो बनाना ही है, बेडों को खुला देंगे। हाँ बहन चो बेडों को खुलाना ना, और ठंड वो नहीं पकड़ लेनी ठंड। बड़े जी पैसे बहन चो एक डेरा वो सामने भी है, वो कह नहीं रहा, वो देखो जी भाई आपके साथ के ही होते हैं ना, जो बाकी डेरे होते हैं आपके साथ के ही हैं ना ये सारे। गए कि गांव के ही सभी, इस टाइम नहीं दिल करता ना काम करने का। बाकी ना अम्मा हां क्यों दूर खाते यार डेरा की जरूरत है करना की करा सीट ला तो पैर में आए इसने मुंडा ला। आलू और प्याज की सब्जी आज कौन सा फोन लेकर आए उधर है भाई का? नहीं नहीं है। दारो जी क्या हो गया? अच्छा सागर की बोटी ये क्या दारो जी? दारो जी तुम्हारी क्या मैरिज हो रही है? बड़े बाजे बजा रहे हो हिमाचल के।
अभी दारो जी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, दारो जी देख रहे हैं इस टाइम पूरा फोन है ना जी। क्या करना बोल रहा, मैंने बोला इधर क्या भी तूने बंदे को मार दिया था, बोला मैंने ब्रेक नहीं लगाई, मैं तूने लगाई थी। भाई तुम कपड़े खोल के बना रहे हो यार रोटी, क्या बात है भाई इतनी सी गर्मी आपको लग रही है, हमारे इधर सोचो कितनी गर्मी पड़ती होगी जब हम कच्चा बनान में आ जाते हैं यहाँ के लोग तब क्या होगा आपका तब तो वैसे हो जानी ये दोस्तों ये झेल नहीं सकते है ना भाई, आप नहीं झेल सकते है ना गर्मी ज्यादा, क्योंकि हर एक वक्त आपको आदत है ठंड में रहने की। थक लगी अच्छा तो यार आज हो रही फिर से दिन में काकू पेट पालक जी की दारू पार्टी, अभी रेस्ट करोगे इसके बाद? अच्छा 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 काकू बेड पालक जी ने आज खोली हुई है उन्ना नंबर वन, उन्ना नंबर वन तो आप बताना जरा उठा के एक बार इसका नाम, उन्ना नंबर वन है अभी उन्ना में ही है अभी। कितने का है काकू भाई? दस दस ये वाली भाई खड़ी करो इसको जरा, कितना दूध कितना रहती है? दोस्तों 10,000 की है, किसी ने भी लेनी हो तो। अभी आप कहाँ पे पहुँचे हो? मुबारकपुर में। मुबारकपुर में तो इधर कभी भी आपको मतलब कि लेनी हो, अगर आप इस एरिया से हो तो आप रेट बना के इनसे ये वाली भेड़ सॉरी बकरी ले सकते हो। इसका बच्चा भी है साथ में? नहीं बच्चा नहीं है। अच्छा फिर भी दूध देती है अभी है। बताना कैसा लगा? चुपा रहा सही गल, फुलका ले लो ना एक उसके साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ थोड़ा। हाँ भाई ओके okay। ये दोस्तों पूरा इनका वफादार बकरा, बोलो इसको चल। कौन ये? हमारे दोस्त है, इसको बोलो ना चल 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 गया मैं और चलो बड़ी दोस्ती है आपके साथ दो है